सीनियर आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम प्राइम आईवीएफ। आज हम डिस्कस करेंगे कि इनफर्टिलिटी कपल को कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए और उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। आप जैसा कि जानते हैं इनफर्टिलिटी के लिए 50% मेल पार्टनर और 50% फीमेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सबसे पहले बात हम करते हैं कि हस्बैंड में हमें क्या क्या टेस्ट कराने चाहिए। जो मेल पार्टनर है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो है वो सीमन एनालिसिस होता है। सीमन एनालिसिस में हम स्पर्म काउंट, उसकी मोटिलिटी स्पर्म की, मॉर्फोलॉजी कैसी है स्पर्म की और पसल्स हैं या सीमन में नहीं है वो चेक करते हैं। तो सबसे पहले कई बार क्या होता है कि स्पर्म काउंट नील आते हैं, जब नील आते हैं तो हम उसका एक सैंपल और रिपीट करते हैं, सीमन एनालिसिस करते हैं सैंपल का और उसके बाद हम देखते हैं कि उसमें भी नील है तो हम पेशेंट को एडवाइज करते हैं कि वो FNAC कराए या बायोप्सी कराए और अल्ट्रासाउंड स्क्रोटम एडवाइज करते हैं। अगर स्पर्म काउंट कम है, मोर्टिलिटी कम है तो हम अदर पैरामीटर्स जैसे कि पेशेंट को डायबिटीज तो नहीं है तो उसका हम ब्लड शुगर कराते हैं पेशेंट का, थायराइड कराते हैं मेल पार्टनर का और ये सब टेस्ट कराए जाते हैं। कई बार क्या होता है कि पसल्स बहुत ज़्यादा है तो हमें सीमन जो है वो सीमन कल्चर कराया जाता है, उसमें फिर जो एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम मेल पार्टनर को एंटीबायोटिक्स देते हैं। जो ये सीमन एनालिसिस का टेस्ट है वो 3 से 5 दिन का एफ्टीनेंस के बाद ही कराया जाता है तो इसकी रिपोर्ट अच्छी आती है। कई बार स्मोकिंग के कारण भी मॉर्फोलॉजी खराब आती है तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि वो अपना लाइफ स्टाइल चेंज करे और स्मोकिंग छोड़े। तो ये मेल पार्टनर के हैं, मैंने मेन मेन सीमन एनालिसिस, थायराइड, इंसुलिन, फास्टिंग शुगर ये सब टेस्ट कराए जाते हैं। इसके अलावा कुछ वायरल मार्कर जैसे कि HIV, VDRL, HBsAg, SCV ये टेस्ट कराए जाते हैं कि पेशेंट को कोई STD या कोई वायरल डिजीज तो नहीं है और इसके CBC, LFT, KFT भी कई मामलों में कराए जाते हैं। तो ये तो हुए मेल पार्टनर के टेस्ट। अब हम चलते हैं फीमेल, फीमेल में क्या क्या टेस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कैरी जो है वो फीमेल ही करेगी तो उसके हिसाब से मैं आपको आज बताती हूँ। फीमेल का जो जेनाइटल ट्रैक्ट है उसमें मेन जो होते हैं ऑर्गन्स वो ओवरी, फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस होता है। तो सबसे पहले हम ओवरी से शुरू करते हैं। जो ओवरी होती है उसमें अंडा बनता है तो उसके लिए हमें जो टेस्ट है वो AMH एंटी मलेरियन हार्मोन कराया जाता है। उसका महीने से कोई संबंध नहीं है, वो टेस्ट आप कभी भी करा सकते हो और ये AMH टेस्ट जो है वो ओवेरियन रिजर्व को यानी कि आपके ओवरी में कितने एग बचे हैं उसको बताता है। इसके अलावा जो टेस्ट हैं डे टू पे हम ओवरी के हार्मोनल टेस्ट जो है वो FSH, LH, E2, P4 ये टेस्ट कराए जाते हैं। इनसे हमें पता चल जाता है कि उसकी ओवरी की कंडीशन क्या है, कोई सिस्ट वगैरह तो नहीं है, क्या हम उसको स्टिमुलेट कर सकते हैं और ये सब टेस्ट कराए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब की। फैलोपियन ट्यूब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट का। उसमें क्या होता है कि ओवरी से एग आता है और स्पर्म जो होता है वो यूट्रस से आता है। जो मिलाप होता है यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है वो ट्यूब के अंदर होता है। इसके बाद जो एम्ब्रियो होता है वो यूट्रस में आके इम्प्लांट होता है। तो फैलोपियन ट्यूब की पेटेंसी मतलब खुला होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए जो टेस्ट कराए जाते हैं वो मेन है HSG, हिस्टेरोसेल्पिंगोग्राफी। ये इसके बारे में मैंने डिटेल में आपको अपनी पुरानी यूट्यूब में बताया है, आप ऊपर जाके उस सब्सक्रिप्शन पे देख सकते हैं। HSG में क्या होता है कि एक तरह का एक्सरे होता है, इसमें हम यूट्रस में डाई डालते हैं फिर देखते हैं फैलोपियन ट्यूब खुली है या बंद है। इसके अलावा जो है एक एडवांस टेक्निक है हिस्टेरोलेप्रोस्कोपी, उसमें हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि ट्यूब खुली है या बंद है। ये डे केयर प्रोसीजर है, इसमें आप मॉर्निंग में आते हैं और इवनिंग में चले जाते हैं। एक दूरबीन की जांच होती है। इसके अलावा भी अगर 3D 4D अल्ट्रासाउंड है तो आपका सोनोसेल्पिंगोग्राफी कर सकते हैं। उसमें एक नॉर्मल स्लाइन जो होता है वो यूट्रस में डालते हैं और पर एब्डोमेन मतलब पेट से अल्ट्रासाउंड से देखा जाता है कि आपकी ट्यूब खुली है या बंद है। तो ये 3 टेस्ट जो होते हैं वो ट्यूब पेटेंसी के लिए होते हैं। इसमें अगर आपकी ट्यूब खुली है तो आप नेचुरल या IUI के द्वारा जा सकते हैं। यदि आपकी ट्यूब बंद है
तीनों टेस्ट में बंद आती हैं या HSG में बंद आती हैं तो आपको IVF पर जाना ही पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं यूट्रस की। यूट्रस के लिए चेक करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट जो होता है वो अल्ट्रासाउंड होता है। अल्ट्रासाउंड से हमें पता चल जाता है कि यूट्रस में कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है, उसकी लाइनिंग थिन तो नहीं है या उसमें पॉलिप तो नहीं है। इस तरह मतलब यूट्रस का सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट अल्ट्रासाउंड है। अगर उससे हमें पता चल जाता है तो इसके बाद हम हिस्ट्रोस्कोपी कर सकते हैं, यानी कि दूरबीन की जांच, जिससे कि हम यूट्रस के अंदर देख सकते हैं, पॉलिप निकाल सकते हैं, फाइब्रॉइड निकाल सकते हैं या और भी कोई प्रॉब्लम हो रही हो यूट्रस में तो उसको हिस्ट्रोस्कोपी के द्वारा ठीक कर सकते हैं। ये तो हुई ओवरी, फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस की जांच की इन्वेस्टिगेशन की बात। इसके अलावा क्या टेस्ट कराने चाहिए? अगर पेशेंट को थायराइड है तो T3, T4, TSH करा सकते हैं। अगर डायबिटीज की हिस्ट्री है तो आपको ब्लड शुगर कराना है, फास्टिंग इंसुलिन कराना है। PCOD की है, जैसे कि पीरियड चढ़ के आ रहे हैं, तो उसका FSH, LH के साथ साथ पेल्विक अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। और अगर इसके अलावा HIV, BDRL, HBsAg और SCV के टेस्ट कराने चाहिए। कई बार पेशेंट में हमें LFT, KFT, CBC ये टेस्ट भी कराने पड़ते हैं। तो ये सब टेस्ट हैं जो हम मेल में और फीमेल में कराते हैं। इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन हो या आप कुछ जानना चाहते हैं और टेस्ट के बारे में तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या सब्सक्राइब करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। IVF को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि कोई अपडेट कभी न छूटे।